कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विशाली शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2024 में किया जाएगा। इस महोत्सव का शेड्यूल मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के उपरांत तैयार किया जाएगा। फिलहाल महोत्सव के प्रबंधों को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों के चेयरमैन को स्कोप ऑफ वर्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इन कमेटियों को 31 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूरे करने का समय दिया है। सीईओ डॉक्टर वैशाली शर्मा बुधवार को देर साय केडीबी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के प्रबंधों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले एडीसी डॉक्टर विशाली शर्मा ने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन को लेकर किए गए तमाम प्रबंधों को लेकर फीडबैक ली और पिछली बार की कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों और केडीबी के सदस्यों को सुझाव आमंत्रित किए। इस दौरान केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के प्रबंधों को और बेहतर बनाने के सुझाव दिए कि प्रबंधों को लेकर 4 या 5 आडी कमेटी का गठन किया जाए जो रोजाना अपनी रिपोर्ट केडीबी प्रशासन को दे। ब्रह्म सरोवर के अंदर चारों तरफ शरारती तत्वों को रोकने और फड़ी वालों को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए 40-50 कर्मचारियों की एक एनफोर्समेंट टीम का प्रबंध किया जाए, सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से किया जाए, पार्किंग स्थलों के अंदर अवैध रूप से लगने वाली दुकानों को रोका जाए और ब्रह्म सरोवर के बाहर सड़कों के किनारे खड़ी रेहड़ियों के अंकुश लगाए जाएं। वहीं 48 कोष विकास एवं निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा ने सुझाव दिया कि ब्रह्म सरोवर के अंदरूनी घाटों पर नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की जाए और प्रत्येक घंटे में कचरे का उठान किया जाए तथा कमेटी के अधिकारियों को स्कोप ऑफ वर्क पर विशेष फोकस रखकर काम करना होगा ताकि किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा एडीसी नरेंद्र मलिक, डीपीआरओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, लेखा अधिकारी राजेश गौड़, केडीबी सदस्य अशोक रोशा ने भी महोत्सव को बेहतरीन बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। सीओ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को अपनी अपनी कमेटी के स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना है। प्रबंधों के लिए स्कोप ऑफ वर्क पर विशेष ध्यान देना होगा और सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करवाना होगा। इस मामले को सभी अधिकारी गंभीरता से लें और अगस्त माह तक प्रबंधों के लिए सभी प्रकार के टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में 11 दिसंबर को गीता जयंती का दिन होगा और बाकी शेड्यूल प्रदेश सरकार से विचार विमर्श करने के उपरांत तैयार किया जाएगा। ये महोत्सव 18 दिन का होगा और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिन के होंगे। सभी के सहयोग से इस महोत्सव को सफल बनाना है। इस मौके पर एडीसी सुरेंद्र पाल, एडीसी अमन कुमार, एडीसी नायब सिंह कुमार, नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता, केडीबी सदस्य डॉक्टर एम के मोदगिर, अशोक रोशा, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, युधिष्ठिर बहल सहित अन्य अधिकारीगण व सदस्य मौजूद रहे।